बीपीएससी TRE 3 के परीक्षा को लेकर के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। बता दें, तीसरे चरण की शिक्षक बहाली की परीक्षा 27 से संभव है। इस बात पर बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की परीक्षा की तारीख में बदलाव किया है। जानकारी के अनुसार ये परीक्षा 27 से 30 जून के बीच एक पाली में निर्धारित की गई है। इससे संबंधित पत्र सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया है। सभी से आयोग ने 6 जून तक परीक्षा के आयोजन के लिए सेंटर की स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। इधर आयोग के परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि पहले पत्र भेजा गया था, हालांकि अब स्थिति बदल चुकी है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अतिथि शिक्षकों को मौका देना है, इनके लिए फिर से आवेदन लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में परीक्षा की तिथि में बदलाव संभव है। अतिथि शिक्षकों का क्या वेंटेज है, वो भी शिक्षा विभाग से प्राप्त आदेशों के पालन पर ही होगा। बता दें कि पहले आयोग ने जो कैलेंडर जारी किया था उसमें 10 जून से परीक्षा होनी थी। अब नई तिथि जो सभी जिलों में भेजी गई है उसमें भी बदलाव की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि इस मामले में अभी हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और कोर्ट ने फिलहाल परीक्षा के आयोजन पर रोक लगा रखा है। बता दें कि BPSC की ओर से तीसरे चरण की परीक्षा सबसे पहले 5 मार्च को ली गई। पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। तीसरे चरण के तहत 87,774 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। वहीं बता दें कि परीक्षा केंद्र आखिर कहां कहां बनाए जाएंगे। भोजपुर, बक्सर, रोहतास, नालंदा, गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सारण, सिवान और गोपालगंज में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। वहीं तारीख जैसे ही कंफर्म होती है हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। फिलहाल जितने भी अपडेट हैं वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना।